सर उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने जनता के रुपए गबन किए। अब गबन किए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन किए ही होंगे वरना खुदकुशी क्यों करते। मेरा बर्थडे था, पापा मुझे और मम्मी को इसी रेस्टोरेंट में ले आए थे। इसी टेबल पर बैठे थे हम। भाई इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि कुछ भी खाओ कम से कम 5,000 रुपए बिल बनता है। अगर आज कोई मुझसे अपनी बेटी की चोटी में सितारे भरने को कहता ना तो मैं कर देता, यूं कर देता, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। आज मेरी बेटी का 21वां सावन शुरू हो रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे शहर को दावत देता। डैड, अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो लुट जाए तो फिर वो लुट जाता है। यू नो मर्फीज लॉ, अगर तुम बुरा सोचो तो बुरा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी टुडे। मिस्टर राजशेखर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बाय ऑल मींस इंस्पेक्टर साहब, एनी प्रॉब्लम? दरअसल मुझे बताया गया था कि आपके बेटी का बर्थडे है, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन मेरी ड्यूटी की वजह से मैं मजबूर हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ड्यूटी पे क्यों शर्मिंदा होते हैं? वैसे ये नीरा है, द बर्थडे गर्ल, माय डॉटर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने हमेशा बेटा ही चाहा था, इसलिए हमेशा इसे बेटे की तरह ही ट्रीट करता रहा हूँ। क्या मालूम कल को ये जाके आपकी बॉस भी बन सकती है। जस्ट जोकिंग जी। वो हाँ, आपकी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सारे अपने ही हैं। सर एक्चुअली मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि आपका पोर्टफोलियो और आपके सारे पेपर्स अपने कस्टडी में लें फौरन, इसी वक्त। श्योर, मैं अभी गाड़ी में जाता हूँ और पोर्टफोलियो सारे कागजात लेके आता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का बर्थडे यकीनन सेलिब्रेट होगा। पापा चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, और तब से आज तक मैं कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाती हूँ। माँ जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सच पूछो तो सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग मर गए लेकिन फिर भी जी रहे हैं। मन को दुखी मत करो मीरा, इस बात को भी बहुत साल गुजर गए हैं, है ना? अतीत और समय ने सब कुछ दबा तो दिया, लेकिन आज पता नहीं क्यों डॉक्टर प्रफुल्ल कब्र खोदकर गुजरे हुए वक्त की लाश मेरी मेज पर रख दी। देखो नीरा, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी धमकी मिली है तो तुम वंदना का केस इन्वेस्टिगेट ना करो तो